नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से आलू के ताज़ा तरीन भाव लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। निवेदन आपसे यही रहेगा, जितने भी हमारे नए साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए, और जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो परस्पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज नॉर्थ ईस्ट में भी तेज़ी देखी गई है, साउथ में तेज़ी है, चारों तरफ तेज़ी का माहौल है और तेज़ी का माहौल बना है स्टॉकिस्टों द्वारा बड़ी तादाद में बड़ी क्वांटिटी में आलू के स्टॉक करने की वजह से। आलू का स्टॉक होने लगा तो आलू की कीमतें भी बढ़ने लगी। हालत यह है मंडियों से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक में आलू में विशेष तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि स्टॉकिस्टों द्वारा डिमांड के अनुसार आलू की सीमित मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। बढ़िया आलू, एकदम फर्स्ट क्लास आलू जो है डिमांड में है, जो बिल्कुल टाइट है, बढ़िया क्वालिटी का है, उसकी एकाएक बहुत ज़्यादा मांग है। साउथ में एकाएक मांग निकलने का कारण क्या है, आप ये कहेंगे कि भाई कारण क्या है? कारण है साउथ में भयंकर बारिश का होना, जिसकी वजह से ऊटी हो, डिम्बिम हो, कोलार हो, या हो हसन, चिकमंगलुरु, हुबली, या मंचर, सतारा, या उड़ीसा, उड़ीसा में जो नई फसलें खुदाई हो रही है, आंध्र प्रदेश में जो फसलें खुदाई हो रही है, वो सब जो है बारिश की भेंट चढ़ गई। क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आलू में छेद, स्पॉट या स्क्रैच, और अंदर से काटने में दगीला यानी दागी निकल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आलू की विशेष मांग इन जगहों पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि स्टॉकिस्टों को पहले से ही पता था कि भारत सरकार बांग्लादेश को भी निर्यात करेगी, तो भारत सरकार ने भी बांग्लादेश को निर्यात करने का फैसला कर लिया है। कितनी मात्रा में और कब जाएगा इसके बारे में अलग से बाकायदा डोजियर जारी किया जाएगा। हालांकि अभी डोजियर जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक उम्मीद के मुताबिक 10 तारीख के बाद यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में ये डोजियर जारी हो सकता है। तो सबसे पहले हम भावों की बात करेंगे, तो मंडियों में जो भाव चल रहे हैं उसमें 1 रुपये किलो से लेकर 2 रुपये किलो की तेज़ी रोजाना बन रही है। कल भी 1 से 2 रुपये किलो आलू तेज़ बिके थे और आज उसी भाव से एक से लेकर 2 रुपये किलो तक और तेज़ बिके हैं। तो ऐसे में खंदौली हो या सादाबाद क्षेत्र हो, यहाँ पर 37-97 बढ़िया क्वालिटी के आलू जो हैं 700 रुपये प्रति कट्टा तक बिक रहे हैं, 50 kg की तौल में बिक रहे हैं। कल भी मेरे द्वारा एक वीडियो डाली गई थी राघव कोल्ड स्टोरेज हाथरस रोड सादाबाद से, यहाँ पर 37-97 बढ़िया क्वालिटी का 675 रुपये प्रति कट्टा बिका था, और 3000 कट्टे थे जो कि 675, 680, 665, 650 इस रेट में सेल हुए थे। अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जुलाई अगस्त के महीने में कि आप जो है अपने आलू की निकासी करते रहिए, अन्यथा अक्टूबर के महीने में ये स्थिति होगी कि कोल्ड मालिक गड़ासा लेके बैठ जाएंगे और जब आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो औने पौने दामों पर आपका आलू लिखाया जाएगा। इधर कोल्ड स्टोरेज मालिकों को भी कोल्ड स्टोरेज खाली करने की जल्दी होगी, लेकिन आप लोग क्या कहते थे, तुम तो किसानों के दुश्मन हो, तुम तो आलू ही नहीं बिकने दे रहे। उस समय पर रेट काफ़ी अच्छे चल रहे थे जुलाई के महीने में, 650, 700 रुपये तक के भी सौदे हो रहे थे, लेकिन आप लोगों को लग रहा था कि फलाना और ढीको शर्मा बढ़िया बता रहा है या वो बढ़िया बता रहा है, वो आयत की बात कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने आप लोगों को आलू रुकवा दिया। रुकने के बाद में क्या हुआ, आज आपके सामने है बढ़िया क्वालिटी, आज भी उसी रेट में बिक रहा है, लेकिन 37-97 जो निम्न क्वालिटी का है, सामान्य क्वालिटी का है, वो उसके रेट भी आज बता देता हूँ मैं आपको। जिन कोल्ड स्टोरेजों पर आलू आप लोगों का बेचा जा चुका है जुलाई अगस्त के महीने में, वहाँ पर बोली की शुरुआत 350 रुपये से होती है और 450 रुपये 37-97 के लास्ट कर दिए जाते हैं, चाहे आपका आलू बेस्ट क्वालिटी का हो या आपका थर्ड क्वालिटी का हो। थर्ड क्वालिटी के दाम तो 350 हैं और सेकंड क्वालिटी के दाम वहाँ इन कोल्ड स्टोर में 400 रुपये हैं और बढ़िया क्वालिटी का 450 रुपये। अब जब आप, हम वीडियो डालते हैं, हम बताते हैं कि आलू जो है सादाबाद में 700 बिक रहा है, खंदौली में 675 तक के सौदे हो रहे हैं, बढ़िया आलू 600 से 700 तक की रेंज में बिक रहा है, तब आप बोलते हैं अरे यार काहे को झूठ बोल रहे हो, कहाँ बिक रहा है? तो जिन कोल्ड स्टोरेजों पर आलू किसानों का सेफ रखा हुआ है, कोल्ड मालिकों ने
उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उन्हें तो अपना दिसंबर तक चलाना ही चलाना है कोल्ड स्टोरेज। तो ऐसे में ऐसे किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज में आज भी नॉर्मल आलू 37-97 ₹500 से लेकर ₹600, मीडियम क्वालिटी का 600 से लेकर 650 ₹, और एक्स्ट्रा सुपर 650 ₹ से लेकर 700 और 10-20 ₹ ऊपर भी बिक रहे हैं। तो ये स्थितियाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि हमारे फर्रुखाबाद, कन्नौज या इधर नहीं हो रहा है, तो वहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि करोगे हाइब्रिड आलू C1 करोगे, हालैंड करोगे, या तमाम ऐसी प्रजातियाँ हैं जो 70-80 गट्टे का पैदावार देती हैं, तो वो नहीं है। और हाइब्रिड का भी मैं बता दूं, हाइब्रिड जहाँ पर किसानों का सेफ रखा हुआ है वहाँ पर हाइब्रिड ₹500 से लेकर बढ़िया क्वालिटी का 550, निम्न क्वालिटी का 450 ₹ से लेकर ₹500 तक बिक रहे हैं, और हल्के तो कोई भाव नहीं बिक रहे हैं, फिर तो जैसे आलू वैसे भाव। तो कुल मिला के यहाँ पर कल भी मैंने आपको दिखाया था ₹675 के थे। रोज़ाना शाम को मैं वीडियो डालता हूँ कि स्थितियाँ ये हैं। कोल्ड स्टोरेज के अंदर से भी मैं आपको आज या कल मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा कि आप अंदर से देखेंगे कि वास्तविक हकीकत क्या है, क्योंकि ज़्यादातर किसानों को पता ही नहीं होता है कि उनका आलू कौन से थोक में कौन से लॉट में रखा हुआ है। तो ऐसे में ये भी एक प्रमुख बात है। बात करेंगे अभी जो मौजूदा परिदृश्य चल रहा है उसमें किस तरीके से आप जो है भाव ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्लियरली बता दूँ, पश्चिम बंगाल के जितने भी लोग हैं वो सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थितियां यह हैं कि 64% का आलू निकल गया। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए पहली रिपोर्ट है पश्चिम बंगाल आलू समिति की, वो बोल रही है 56% निकासी हुई है। ये कोल्ड स्टोरेज वालों की है, देखिए 58.60 की दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के इन दोनों लिस्टों में कितना विरोध है देख लीजिए खुद, 2-3% का यहाँ पर है। तो कुल मिला के ये भी झूठ है और ये भी झूठ है। जो किसान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 64% की पश्चिम बंगाल में भी निकासी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में जितना भी फ्रॉडगिरी हो रहा है वो सिर्फ किसानों का आलू बॉन्ड पर जल्दी से जल्दी फ्री में खरीदने के लिए हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में शामिल थे, जब हमने सच्चाई लिख दी तो ग्रुप छोड़ छोड़ के भागने लग गए। अगर इतनी ही हिम्मत थी तो सवालों के जवाब देते कि आखिर पश्चिम बंगाल में 720 ₹ से लेकर 750 ₹ तक आलू कैसे बिक रहा है, चाहे हुगली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे मेदिनीपुर हो, चाहे नॉर्थ बंगाल हो, कैसे बिक रहा है। तो कुल मिला के ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ये फर्जी लिस्ट है, मैं इन्हें बिल्कुल भी लिस्ट को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें आप देखिए क्या लिख रहा है और इसमें देखिए क्या लिख रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, इस लिस्ट के दावे ये कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज वालों की कि इसमें है ना दो जिले छोड़ दिए हैं। अब 58% कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन बता रहा है, दो जिले की मेदिनीपुर है और एक दो जिले और हैं, तो अगर उनका भी जोड़ रहे हैं तो हो गया 64%। तो बताइए हमारी रिपोर्ट झूठ नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जमीन से उखाड़कर सच्चाई फेंक देते हैं, लेकिन इन पश्चिम बंगाल को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। और निकासी जितनी है उतनी हम बता रहे हैं, लेकिन जितनी है वो ही अपने मन के मुताबिक बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 61 से लेकर ऊपर तक निकासी हो गई है, और स्थिति अब देख लीजिए कितनी तेज रफ्तार से आलू निकल रहा है, लेकिन इनके दिमाग में क्या है 55% ये निकासी नहीं है। एक्चुअली निकासी उत्तर प्रदेश की, अगर रियलिटी पूछो मुझसे कि बेटा भाई तू अपने किसी की कसम खा के बता दे और हम मान लेंगे, तो मैं गारंटी के तौर पर कह रहा हूँ 65% की उत्तर प्रदेश में निकासी है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं है तो आज मुझसे शर्त लगा लो, मैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाकर एक एक को चैम्बर को दिखा दूंगा कि यह देख पूरा चैम्बर खाली है। और मैं आपको यहाँ किसान साथियों सबको बता देता हूँ, जो 1 लाख से लेकर 3 लाख कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोरेज थे वो 80% खाली हो गए, 20% ही अब उनमें बीज बचा हुआ है। जो बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनमें आलू जो है 60% निकल गया, 40% आलू है। और महीना कितने बचे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि नई फसल अभी आने वाली नहीं है। तो किसान साथियों ये सारे फैक्ट हैं, तो इन्हें आपको समझना होगा कि आप लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है। तो चलिए अब भाव भी देख लेते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर एक बार पुनः निवेदन यही करूँगा, हर भाव लेते हुए अपने आलू की निकासी करते रहिए जो भी आपको भाव मिल रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि आलू की निकासी रोक दो, क्योंकि तेजी है, तेजी की पूछ जो है बेहद चिकनी होती है। और किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आइए, यह पश्चिम बंगाल की जितनी भी रिपोर्ट है या गुजरात की है सब फेक रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा ही झूठ बोला जा रहा है, निकासी है कुछ बता रहे हैं कुछ। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 65% की निकासी है, और आ जाओ मैं दिखा दूंगा उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। चैलेंज है मेरा, आपके पैंट धोती कुर्ता सब खोल दूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई का हितैषी हूँ। फर्जीवाड़ा तुम लोग करो, किसानों का शोषण तुम करो,
हम पे नहीं आता है। आज अगर हम तेजी दिखा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कोई गर्भवती पत्नी हो, गर्भवती लेडीज हो, उसके पेट में दर्द होता है, ऐसे अब आपके लोगों को दर्द हो रहा है। जब सच्चा वो दिख रहे थे तब आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, आज तेजी है तो तेजी को अब वो करे, क्योंकि आपने आलू बेच लिया गोल्ड मालिकों ने। हमसे पूछना चाहते हो किसान साथियों, मुंबई मंडी की बात करेंगे तो शुगर फ्री नंबर वन क्वालिटी का 14 रुपये किलो, नंबर दो क्वालिटी का 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो, और थर्ड क्वालिटी का शुगर फ्री उत्तर प्रदेश वाले 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक बिके हैं। सूखे हुए जूट वाले 14 रुपये किलो तक बिके हैं उत्तर प्रदेश के आलू, बढ़िया में सुपर VVIP 16 रुपये किलो तक भी बिके हैं। उत्तर प्रदेश के जूट सूखे हुए 12 रुपये किलो से लेकर 13-14 रुपये किलो तक बिके हैं, नंबर तीन क्वालिटी का सूखा हुआ 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक, थर्ड क्वालिटी तो बिकती नहीं है, रद्दी माल है, तो ये कैसे बिक रहा है? समझने वाली बात है ना, कैसे बिक रहा है? पूछिएगा इन लोगों से जो आप लोगों का आलू 350-400 रुपये किलो खरीद रहे हैं, पैकेट में खरीद रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और गीला जूट की बात कर रहे हैं तो 14 रुपये किलो तक है, बढ़िया VVIP 15 रुपये किलो तक भी बिके हैं। उत्तर प्रदेश के गीले जूट दो नंबर दो क्वालिटी के 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो, गीले जूट नंबर तीन क्वालिटी के 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो, 302 आलू उत्तर प्रदेश के बढ़िया वाले 10 रुपये किलो से लेकर 13-14 रुपये किलो, 302 पीली काट वाले 9 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो, उत्तर प्रदेश के लाल आलू जो हैं 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो, मध्य प्रदेश के लॉकर गोल वाले 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो, मध्य प्रदेश के ज्योति नंबर वन क्वालिटी 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, ज्योति नंबर दो क्वालिटी का MP का 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो, मध्य प्रदेश का LR वेफर पास 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो, गुजरात का LR वेफर पास नंबर वन क्वालिटी 15 रुपये किलो से लेकर 19-20 रुपये किलो, पेप्सी वाला गुजरात का 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, कोलंबो गुजरात वाला 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं, और गुजरात के पुखराज 7 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 9 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। मेटियापाला मंडी में आज आगरा की 6 गाड़ियों की आवक हुई है, 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति पैकेट में आलू बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करेंगे तो आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो 125 गाड़ियों की आज कुल आवक हुई है। आगरा अलीगढ़ से शुरुआत करेंगे तो आगरा अलीगढ़ के 37-97 बढ़िया क्वालिटी के 580 रुपये से लेकर 640 रुपये प्रति पैकेट, 37-97 हल्के वाले 500 रुपये से लेकर 550-550 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। छिपसौना आगरा अलीगढ़ के 600 रुपये से लेकर 650-680-700 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। सूर्या बढ़िया क्वालिटी के 700 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट तक अलीगढ़ वाले बिके हैं, आगरा वाले 700 रुपये से लेकर 750। हाइब्रिड की बात करेंगे तो हाइब्रिड में आज तेजी है 60 रुपये की, 470 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं आगरा अलीगढ़ वाले। T7 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट, 750 रुपये कट्टे की तेजी है T7 पर। फ्राई सोना आगरा अलीगढ़ के 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं, यहाँ पर 50 रुपये की तेजी है फ्राई सोना में। चदौसी बदायूं बिलसी की बात करेंगे तो चिप्सोना आलू यहाँ 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट, सूर्य आलू 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट चंदौसी वाले, डायमंड चंदौसी 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट। LR उत्तर प्रदेश वाले आज मांग है, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्र में LR आलू की विशेष मांग रहती है, तो यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति पैकेट की तेजी है LR में, वो भी कहें 650 रुपये से लेकर 700 रुपये। LR पंजाब वाले 550 रुपये से लेकर 600 रुपये, ये टिक्की बल्ले वाले हैं। गुजरात के LR जो हैं 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति पैकेट वेफर पास बिके हैं। हल्द्वानी मंडी की बात करें किसान साथियों, हल्द्वानी मंडी में 37-97 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट, चिप्सोना 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट, और सूर्य आलू 650 रुपये से लेकर 720-730 रुपये तक हल्द्वानी मंडी में बिके हैं। बात करेंगे साउथ की मंडियों की तो साउथ की मंडियों में तिरछी मंडी से शुरुआत करेंगे, 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, 302 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं, तो कुल मिला के तेजी ही तेजी का माहौल बना हुआ है। चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, दासमपुरा की मंडी की बात करेंगे तो 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। हैदराबाद में 37-97 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, 302 आलू 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो बेंगलोर मंडी में 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो बिके हैं।
गुंटूर की मंडी में 37.97 रुपए किलो से लेकर 70 रुपए किलो तक बिके हैं। जयपुर में आज 50 पैसे की तेजी आई है, 37.97 रुपए किलो से लेकर 12.5 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो किसान साथियों, ये थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से आलू के भाव। यही था वीडियो में निवेदन, मेरा आपसे यही रहेगा, किसी की बातों में आने की अपेक्षा आलू की निकासी पर परस्पर ध्यान दीजिए। आलू में तेजी है, तेजी को बनाइए। और ये भी निश्चित तौर पर मानिए कि अगर आप हाइब्रिड कम करेंगे तो इनके जो भाव बढ़े हुए हैं कोल्ड स्टोरेज मालिकों के, वो भी नीचे आ जाएंगे। करोगे हाइब्रिड और फिर यूट्यूबरों को दोष देते फिरोगे तो फिर उसमें कुछ नहीं होना है। फिर तो जैसे आप मर रहे हो, मरते रहो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अगर आप पक्के आलू करोगे तो सभी सेंटर में रहेंगे और आपको आलू के अच्छे दाम भी मिलेंगे। ऐसे में जो स्थितियां आज चल रही हैं, जो आप कह रहे हो कि नहीं बिक रहा है, हम कह रहे हैं बिक रहा है, लेकिन बशर्ते वो क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी वाला आलू भी आज जो है 700 रुपये तक बिक रहा है। तो कुल मिला के किसान साथी, मैंने आप लोगों को सारी स्थितियों से अवगत कराया। निवेदन मेरा आपसे ये रहेगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका दिन शुभ हो।